कि जब तक जनसंख्या पे काबू नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं हो सकता। कोई दूसरे ग्रह से करने के लिए आएगा कंट्रोल? आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री, आप रखिए बात। कहीं बड़ौदा के निवासियों के लिए खुली धमकी है कि कमल खिलेगा तो विकास होगा। किसान हमारे साथ है, किसानों को बहकाया गया है। रैली हमने देखी थी जिसमें कहा गया था कि पैसे देके हमको बुलाया गया है, वो दिहाड़ी देके कांग्रेसियों ने घुसा रखी, वो मोदी जी के नाम से आए हुए थे। अभी तक अगर हम इतिहास की बात करें तो कभी भी बड़ौदा में कमल नहीं खिला है, अब की बार ऐसा नया क्या होगा? अरे भाई, जहाँ हम होते हैं वहाँ सिद्धि होती है, यहाँ भी देख लेना। तो आखिरकार किसानों का साथ क्यों नहीं? किसानों को तो मैंने कहा भ्रम पैदा किया गया है, बहकाया गया है, उसका मैंने फिर हाँसी रैली का नाम लिया था। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही चुनाव आता है तो सभी नेताओं को वो हल्का याद आ जाता है, उससे पहले कभी याद नहीं आता? MSP था, MSP है और MSP रहेगा। 6 साल आपकी सरकार थी और बड़ौदा हल्का काफ़ी विकास के मामले में पीछे रहा है। हमारा तो अभी तक ये विधायक बना ही नहीं है, योगेश्वर दत्त। तो अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं आपका विधायक हूँ, तो 6 साल दिखाई नहीं दिया? बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है और इसी कड़ी में सभी पार्टियों के जो कद्दावर नेता है वो बड़ौदा में कूद पड़े हैं अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद DP वत्स जी, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो यहाँ पर किस प्रकार से माहौल को देखते हैं। सांसद साहब, किस प्रकार से देखते हैं यहाँ के माहौल को? देखो ऐसे है, एक तो हमारा कैंडिडेट बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, यानी सभी कह रहे हैं भाई ओलंपियन है, ओलंपिक मेडल भी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा से और तपस्या से आता है। तो मैं कहूँगा साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली वो बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा है, निष्ठावान है और ईमानदार है, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। बड़ौदा हल्के ने पिछली दफ़ा भी, क्योंकि हमारी जो सहयोगी पार्टी है उसका कैंडिडेट खड़ा था, 33,000 वोट वो ले गया और इनके 37,000 कुछ वोट आए। इस दफ़ा उस पार्टी का हमें लाभ मिलेगा और हमें जीत की पूरी पूरी उम्मीद है। जीत की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी तक अगर हम इतिहास की बात करें तो कभी भी बड़ौदा में कमल नहीं खिला है, अब की बार ऐसा नया क्या होगा? देखो बड़ौदा में कभी भी कमल नहीं खिला, मैं ये कहूँगा हरियाणा में भी तो हमारी एक दफ़ा 2 ही सीट थी जिसमें एक राम कुमार गौतम और दूसरा नरेश मलिक था, और आज 6 साल से हमारी हुकूमत है हरियाणा में, तो कमल तो बहुत जगह नहीं खिला था, मगर मोदी जी की जब कमान आई है उनके नेतृत्व में पूरे भारत में कमल खिल गया और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। संत साहब, ऐसा क्यों होता है, जैसे ही चुनाव आता है तो सभी नेताओं को वो हल्का याद आ जाता है, उससे पहले कभी याद नहीं आता? देखो ऐसी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, हमारा तो अभी तक ये विधायक बना ही नहीं है योगेश्वर दत्त, मगर योगेश्वर दत्त माटी से जुड़ा हुआ आदमी है, मैं इसकी ताईद कर सकता हूँ और मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि योगेश्वर दत्त अपने हलके में अपनी सेवाएं देता रहेगा। सब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 साल आपकी सरकार थी और बड़ौदा हल्का काफ़ी विकास के मामले में पीछे रहा है, तो अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं आपका विधायक हूँ, तो 6 साल दिखाई नहीं दिया? देखो ऐसे है, फिर भी ये हल्के सोनीपत और रोहतक डिस्ट्रिक्ट बाकी हरियाणा से काफ़ी डेवलप्ड है। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, यहाँ के बच्चों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी और ये पढ़ाई में, नॉलेज में, खेलों में आगे रहने वाले हैं। रही बात विकास की, विकास आप सड़कों को कहते हैं, विकास आप वाटरवर्क्स को कहते हैं, विकास आप स्कूलों को, कॉलेजेस को कहते हैं, उसमें मैं कहता हूँ कि विकास हुआ है। एक यूनिवर्सिटी सैंक्शन की है, अपने CM साहब ने अभी IMT सैंक्शन की है, 2 कॉलेज सैंक्शन किए हैं बड़ौदा में और भैंसवाल में, तो विकास की बयार तो शुरू हो गई है। ये बात हुई कि 6 साल में कोई विकास नहीं हुआ। देखो हल्के के MLA का हमने तो 90 के 90 हल्कों में समान विकास किया, अब वो चले गए उन पर मैं क्या कमेंट करूँ, वो तो दिवंगत हैं अब। फिर मैं तो ये कहता हूँ कि आगे हमारा कमल खिलाओ और हम आपको विकास का वादा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बड़ौदा के निवासियों के लिए खुली धमकी है कि कमल खिलेगा तो विकास होगा? धमकी नहीं है, ये एडवाइस है।
यानी सलाह है। मतलब आपकी सलाह मानते हैं तो ही विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा कि हमने तो 90 के 90 हलकियों में विकास किया है और समानांतर विकास किया है, तभी हमारी पार्टी का ही नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो बड़ौदा हलका तो हमारे लिए वन ऑफ दी 90 हलकाज है, मगर फिर भी रिप्रेजेंटेटिव का फ़र्क रहता है कि इतना शानदार रिप्रेजेंटेटिव उनको हम दे रहे हैं, उसको जिता के भिजवाएं। उसका मैं ये कहूँगा कि एक्सेलरेटेड विकास कराएगा। आपने सबके साथ की बात कही है, तो आखिरकार किसानों का साथ क्यों नहीं? किसानों का साथ है हमारे साथ, मैंने हांसी में रैली की थी, आप भी उधर के ही रहने वाले हैं, 60 के करीब तो ट्रैक्टर आपके ही गांव से आए थे और 1000 से ऊपर ट्रैक्टर हांसी की रैली में थे, तो उसमें किसान हमारे साथ है। किसानों को बहकाया गया है, उस भ्रम को हम दूर कर रहे हैं गांव जाके। रैली हमने देखी थी जिसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, जिसमें कहा गया था कि पैसे देके हमको बुलाया गया है और हमारे को दिहाड़ी पे बुलाया गया है। देखो, वो तो कोई भी कुछ भी ले लेगा इंटरव्यू, मगर सारा हरियाणा जानता है कि वो रैली मेरी और ब्रजेंद्र सिंह की थी। जनरल वत्स के साथ ने तो उसने कभी पैसे लिए न उसने कभी पैसे दिए, वो जनरल वत्स के नाम से आए हुए थे, वो मोदी जी के नाम से आए हुए थे, और वो किसी भी रैली में कुछ कहने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ वो दिहाड़ी दे के कांग्रेसियों ने घुसा रखे थे जिनका वीडियो लिया, लो मैंने इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने भी सुना है वो उसका क्या नाम है, किसी चैनल ने चलाया है, मगर मैं खुद कन्विंस्ड हूँ कि वो मेरे बुलाए हुए आए थे और निष्ठावान लोग आए थे, और अब भी बुलाऊँ तो गोहाना भी आ जाएंगे। वत्सब, आप देहात के एरिए से संबंध रखते हैं, हालांकि आपने तरक्की बहुत ज़्यादा की है समाज सेवा के क्षेत्र में, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो आपको नहीं लगता कि MSP जो किसान मांग कर रहे हैं उसको कानून में लिख देना चाहिए? देखो, फिर भी मैं कहता हूँ कि MSP हर एक जिन्स के लिए नहीं है। MSP मैं कहता हूँ कि कानून में कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया ये कानून में, हमने पंजाब ने अभी दिया। मैंने कहा ना कि वो तो अपनी सरकार है, क्योंकि ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, खेती सेंटर का भी सब्जेक्ट है, स्टेट का भी सब्जेक्ट है। हम पहले तो मोदी जो कहता है वो करता है, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे CAA हो। इसी तरह MSP था, MSP है और MSP रहेगा। अब मेरी बात एक समझ लो, आप शाने आदमी हो, अगर अल्फेंजो मैंगो की आप MSP लगाएं तो उसका भाव धड़ाम से गिर जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में जाने के काबिल ही नहीं रहेगा। MSP तो एक किसान की मेहनत, किसान का खर्चा, उसे 1.5-2 गुना प्राइस है, मगर हमारा एम ये है कि किसान को कम से कम 2 गुना प्राइस वैसे ही मिले। तो हमारा फार्मूला जब कारगर हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो किसान को फसलों का अच्छा भाव मिलेगा। बस साहब, आपने अभी बेरोज़गारी की बात की है, रोज़गार की बात की है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें, जिस प्रकार से अभी आंकड़े आए हैं ताज़ा, उनमें भारत का नाम भूखमरी कगार में और बेरोज़गारी में सबसे ऊपर आता जा रहा है, आखिरकार ये वजह क्या है? क्यों आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था संभालने में दिक्कत आ रही? देखो, सारे संसार की अर्थव्यवस्था को कोविड ने, कोरोना ने अफेक्ट किया है, क्योंकि लॉकडाउन हुए और लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज भी बंद हुई, काम भी बंद हुए, उससे ये अपनी बेरोज़गारी बड़ी ज़रूर है। मगर एक प्राकृतिक आपदा या यूं कहे एक बायोलॉजिकल वारफेयर आ जाए और फिर आप कहो कि ये इस तरह से हो गया, मेरा अपना पर्सनल मामला मानना ये है कि जब तक जनसंख्या पे काबू नहीं करेंगे, यानी फैमिली प्लानिंग लागू नहीं करेंगे, बेरोज़गारी पे कंट्रोल नहीं हो सकता। तो कोई दूसरे ग्रह से करने के लिए आएगा कंट्रोल? आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री, आप रखिए बात, राज्यसभा में रखिए। हमारा अगला एजेंडा यही है, जो अगला एजेंडा है उस पर भी हमें संज्ञान लिया है कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और साथ में परिवार नियोजन, ताकि हम चाइना जैसा तो नहीं करेंगे, मगर हम ऐसा करेंगे कि हमें यंग पॉपुलेशन भी मिले
और साथ में बेरोजगारों की संख्या में और बढ़ोतरी ना हो। बाकी जैसे हमने ये किसानी के लिए 3 कानून दिए, ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो कृषि क्षेत्र में ही रोजगार बढ़ जाएगा। यानी लेकिन लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि हम बेघर हो गए, हमें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा बिहार जैसे हालातों में। किसानों को तो मैंने कहा भ्रम पैदा किया गया है, बहकाया गया है, उसका मैंने फिर हाँसी रैली का नाम लिया था। मैं कहता हूँ जब आदमी खिलाफ हो जाता है, सन 77 में कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, तब ये बात नहीं चलती। और अगर तुम जनरल वत्स की रैली को भी यूँ कहते हो पैसे दे के बुलाए थे, सारा हरियाणा जानता है कि इस शेर पर पैसे को नहीं कहाँ से देगा, न मैं किसी से मांगूँ, वो अपने आप आए थे। और सुन लियो, योगेश्वर दत्त जीतने के बाद एक ऐसी रैली गुआने में कर दूंगा, फिर सामने पता लग जाएगा, यहाँ भी ऐसी ही कर दूंगा जीतने के बाद। हाँ, जीतने के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे इनकी जीत, अभी तो कर नहीं सकते ना। दिल्ली अभी, चंडीगढ़ अभी दूर है। नहीं, चंडीगढ़ तो हम बैठे हैं ऑलरेडी, चंडीगढ़ भी बैठे हैं, दिल्ली भी बैठे हैं। हम बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा के लिए चंडीगढ़ अभी दूर है। अरे भाई, जहाँ हम होते हैं वहाँ सिद्धि होती है, यहाँ भी देख लेना। योगेश्वर दत्त जो ओलंपिक मेडल ले सकता है वो सीट भी निकाल सकता है। डीपी साहब, अगर हम योगेश्वर दत्त के ट्वीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है कि वो दलितों के खिलाफ है, वो आरक्षण छीनना चाहते हैं। योगेश्वर दत्त की ट्वीट मैंने देखा नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। योगेश्वर दत्त कहाँ ट्वीट करेगा, किसी ने और ने कर दी होगी इसी तरह। योगेश्वर को कहाँ उसको फुर्सत है ट्वीट करने की। उनका उनका पुराना बयान है, वो पुराना बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जितने भी दलित विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के वो सब ने इकट्ठे होकर वो प्रूफ दिखाए और 2 दिन पहले की वीडियो बाइट दिखाई जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण जो है वो एक सीमित दायरे तक होना चाहिए। मैंने कहा कि न तो मैंने योगेश्वर दत्त का बयान सुना, न मैंने उसकी ट्वीट पढ़ी। मैं ये कहता हूँ आरक्षण जो है वो सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास के लिए है, उसका फायदा हुआ है। आप भी इस हिसार से संबंध रखते हैं और दादा गौतम भी आज यहीं पर आए हुए हैं बड़ौदा में वोट मांगने के लिए, उनको कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी से लगाव हो गया उनको? जय जय पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी हमारा सपोर्ट कर रही है। बांगड़ साहब भी हैं, भूपेंद्र मलिक भी योगेश्वर दत्त के साथ है और गौतम साहब भी जय जय पार्टी के विधायक हैं और वैसे भी वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, तो एक खिलाड़ी के समर्थन में आए हैं तो मैं उनका वेलकम करता हूं। लेकिन वो तो पार्टी का तो विरोध करते हैं। पार्टी का कुछ मुद्दों पर विरोध करते हैं, हमारे समर्थन के लिए विरोध नहीं करते, हमारे समर्थन में है वो, एक खिलाड़ी के समर्थन में, एक खिलाड़ी के समर्थन में। डीपी साहब, अंतिम प्रश्न, कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है वो जीत हासिल करेंगे, आपकी तरफ से भी इनेलो भी, अलग क्या मानते हैं आप, कहाँ से फ़ायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सारे जो चेहरे थे या ये कहें जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारे गए थे वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दावे एक अलग चीज़ होती है, असली मुद्दे अलग चीज़ होती है। मैं तो कहता हूँ बड़ौदा वासियों से, बड़ौदा हल्के वालों से, फिर मेरी एक नेक सलाह है कि एक नेक इंसान, एक ईमानदार इंसान को चुन के भेजें ताकि आपके साथ वो जो आम पॉलिटिशियन करता है वो ना हो। ये थे राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, जिनका कहना है कि भले ही दूसरी पार्टियों के द्वारा कितने ही दावे किए जाएं लेकिन बड़ौदा के अंदर हर हाल में कमल खिल के रहेगा। इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा जाएगा वैसे वैसे हर पार्टी की तरफ से दावे ज़रूर किए जाएंगे, लेकिन अगर बड़ौदा की जनता बीजेपी पार्टी पर, योगेश पर विश्वास करती है और उनको जिताकर विधानसभा भेजती है तो बड़ौदा का एक अलग ही स्वरूप विकास के मामले में देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार बड़ौदा की जनता किसके सिर पे चौधर का ताज सजाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रीणा।